31 जनवरी 1920, ये वो तारीख थी जब दलित समाज को अपनी एक अलग पहचान मिली, अपनी पत्रिका मिली, मूक नायक। साल 1920 के पहले महीने की आखिरी तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। धकियाकर आखिरी छोर पर धकेल दिए गए दलित समाज को अगली पंक्ति तक लाने के लिए पत्रिका के जरिए जन जागरण की ये पहली कोशिश थी। तब से 93 साल गुजर गए। दलित उत्थान के नाम पर पत्रिकाएं आती रही, दम तोड़ती रही, वो चाहे बहिष्कृत भारत हो, जनता हो, अनटचेबल इंडिया हो, ऑप्रेस्ड इंडियन हो या फिर कोई और पत्रिका, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। दलित समाज के चिंतकों, साहित्यकारों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों की बराबर ये शिकायत रही कि राष्ट्रीय फलक पर दलितों से जुड़ी कोई पत्रिका दस्तक क्यों नहीं दे रही। और फिर ये शिकायत भी दूर हुई। साल 2012 की वो तारीख थी 27 मई जब दलित दस्तक ने दमखम के साथ दस्तक दी, एक मासिक पत्रिका के रूप में, इस भरोसे के साथ कि दलित समाज को जुबान मिलेगी, वो भी खुलकर। आज इस भरोसे के 1 साल पूरे हुए हैं, लेकिन दलित दस्तक के पैदा होने से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। बुंदेलखंड के महोबा में इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले देव प्रताप सिंह और अशोक दास की हुई एक मुलाकात में दलित समाज के लिए एक पत्रिका की गुंजाइश पर माथापच्ची हुई। देश के सर्वोच्च पत्रकारिता संस्थान के तौर पर शुमार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके अशोक भी कुछ अलग करना चाह रहे थे। उस वक्त तक अशोक लोकमत और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में काम कर चुके थे और नागपुर से निकलने वाले अखबार देशोन्नति के लिए राजनीतिक संवाददाता के तौर पर संसद कवर कर रहे थे। साथ ही दलितमत.com नाम की वेबसाइट के जरिए दलित आंदोलन में भी सक्रियता दिखाने लगे थे। दलित दस्तक की नींव रखी जा चुकी थी। इसमें उन दो शख्सियतों का अहम योगदान था जो पत्रिका की परिकल्पना से लेकर इसके साकार होने तक के गवाह थे, प्रख्यात समाजशास्त्री और JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार और साहित्यकार और बौद्ध चिंतक आनंद श्रीकृष्ण, बाद में कारवां भी बनता गया देवमणि भारती, शांति स्वरूप बौद्ध राजेंद्र कश्यप, ओमवीर सिंह और नितिन मेश्राम जैसे नाम भी जुड़े जिन्होंने दलित दस्तक को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। दलित आंदोलन के लिए सक्रिय शख्सियतों का संपादकीय मंडल में होना भी पत्रिका की ताकत बना। दरकिनार कर दिए गए समाज का शंखनाद, इस नारे के साथ शुरू की गई दलित दस्तक पत्रिका ने हमेशा इसी लाइन पर काम किया। जब हरियाणा के भगाणा गांव के दलितों पर अत्याचार की इंतहा हुई तो दलित दस्तक ने अपने प्रतिनिधि को वहां भेजा
और उनकी पीड़ा को देश भर में पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह जब इन लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया तो भी दलित दस्तक इनके साथ खड़ा रहा। जब बिहार की बेटी चंचल पासवान पर तेजाब फेंककर उसका चेहरा जला दिया गया, तब दलित दस्तक ने उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाई। अपने पाठकों से चंचल पासवान को आर्थिक मदद देने की अपील भी दलित दस्तक ने की। इसका असर भी दिखा और मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। उधर दलित दस्तक की अपील का असर हुआ और चंचल के पिता शैलेश पासवान तक आर्थिक मदद भी पहुंची। इसी तरह जब वरिष्ठ साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि कैंसर से लड़ रहे थे तो भी उनके साथ दलित दस्तक खड़ा रहा। अतिथि संपादक के तौर पर उनके नेतृत्व में दिसंबर 2012 का अंक निकला। पत्रिका की वेबसाइट dalitmat.com के जरिए लोगों से वाल्मीकि जी को आर्थिक मदद देने की भी अपील की गई। इस एक साल के सफर में ऐसे कई मौके आए जब दलित दस्तक को पाठकों का भरपूर स्नेह मिला। लखनऊ में बसपा की रैली के दौरान महज 3 घंटे में पत्रिका की 200 कॉपियां बिक गई। दिल्ली में बुक फेयर में पत्रिका की बिक्री 10,000 रुपए के आंकड़े तक को छू गई। इस दौरान पत्रिका के साथ 22 नए सदस्य भी जुड़े। बुक फेयर के दौरान तमाम दिग्गजों ने दलित दस्तक के स्टॉल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और तो और, लोकसभा टीवी ने विश्व पुस्तक मेला पर आधारित अपने विशेष कार्यक्रम सुर्खियों से परे में दलित दस्तक के संपादक की बातचीत भी प्रसारित की। ये हमारी मैगजीन जून 2012 में हमने लॉन्च की थी और इसका टैगलाइन हमने नीचे लिखा है, पंचलाइन के दरकिनार कर दिए गए समाज का शंखनाद। दलित समाज के ऊपर आपको पता है, आप खुद मीडिया में हो, तो इवन मुझे लगता है कि जितनी मिनिस्ट्री मीडिया में आज सरकारी चैनल कवर करते हैं दलित इश्यूज़ को, लोकसभा चैनल हो या फिर दूरदर्शन हो, उतना कोई नहीं करता। तो जो वैक्यूम है, हमने उस वैक्यूम को पूरा करने की कोशिश की। मैं और ये हम लोग एक कुछ लोगों का ग्रुप है जिसमें JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, देवमणि भारतीय जी हैं जो एक अधिकारी हैं, और शांति स्वरूप बौद्ध जी समय प्रकाश है, तो एक दलित इंटेलेक्चुअल है, उनका एक ग्रुप है। अभी दलित इश्यूज़ पर तकरीबन 30-35 मैगजीन्स निकलती है। हमने 6 महीने में इसको, अभी हम 5,000 कॉपियाँ छाप रहे हैं इसकी, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा रिस्पांस इस वजह से है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मेनस्ट्रीम मीडिया की तरह, जो एक शिकायत रहती है आमतौर पे कि हाँ दलित स्ट्रीम की मैगजीन है तो इसमें कंटेंट, और तो मैं खुद चूँकि जर्नलिस्ट हूँ तो मैं हमने इन सारी चीज़ों को जो प्रोफेशनलिज्म में चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखा है। हम सारे इशूज़ को टच करते हैं, हमारा एंगल ये होता है। यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस है, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा रिस्पांस है। इवन कि एक दिन बीत गए थे तो आनंद फानंद में हमने लिया था, ये हमने सोचा था कि ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा, ग्रेट रिस्पांस। और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के मौके पर दिल्ली के संसद मार्ग और लखनऊ के सामाजिक परिवर्तन स्थल पर पत्रिका को लोगों ने हाथों हाथ लिया। हाल ही में दलित दस्तक के हिस्से में एक और उपलब्धि आई है जिसमें पत्रिका को रेलवे स्टेशनों के स्टॉल तक पहुंचाने के लिए AH व्हीलर के साथ समझौता हुआ है। इलाहाबाद में मिशन के साथी रिटायर्ड कमिश्नर कृष्ण चंद्रा के जरिए ये समझौता हुआ। इस समझौते के बाद दलित दस्तक देश के 8 और राज्यों में तकरीबन 116 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर देखें तो इस एक साल में दलित दस्तक ने 5,000 की प्रसार संख्या और 25,000 पाठक के साथ 11 राज्यों के तकरीबन 150 शहरों में अपनी कामयाब मौजूदगी दर्ज कराई। इसका श्रेय दलित दस्तक के हर एक पाठक और हर एक शुभचिंतक को जाता है। इस मुहिम को इसी तरह और आगे बढ़ाते रहने के लिए जरूरत है बस आपके इसी तरह के सहयोग की।